दोस्तों ये वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं रिबन टैप 3, ठीक है। जैसे कि होम रिबन टैप आपको पहले ही पता है कि मैंने कवर कर रखी है, इंसर्ट रिबन टैप ऑलरेडी डन। अब शुरू करेंगे पेज लेआउट से, कैसे यूज करना है हमारे एक्सेल के अंदर। ये कुछ सा डेटा है, इसकी इम्पोर्टेंस करेक्ट, ये सब है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ डिस्कवर टैलेंट्स में। वेलकम बैक। ये पेज लेआउट है, देन यहाँ पे थीम्स ऑप्शन है, ये यूज करने वाले हैं हम। तो उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल एन फॉर द न्यू शीट वर्कशीट, करेक्ट। अब मैं करूंगा यहाँ पे कुछ छोटू सा शेप ऐड कर देता हूँ दोस्तों। इंसर्ट में जाने के बाद ये कुछ शेप मैंने ऐड कर दिया। सपोज दिस इज माय कंपनी लोगो, ये कुछ मेरा कंपनी लोगो है। मैं कुछ यहाँ पे कंटेंट टाइप कर दे रहा हूँ, एंड देन दिस इज द फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऐसा जैसे कि आपको ऐड करना है। जस्ट रैंडम शोइंग दी थिंग टू अवॉइड मच डिले इन दिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये थीम से मुझे ऑटोमेटिकली कलर कोड चेंज करना है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास या फिर लोगो है मेरे कंपनी का, इसका कलर चेंज हो जाएगा। एंड देन जो मेरे पास फॉन्ट फैमिली है फॉर दिस थिंग फॉन्ट के अंदर, उसका भी ऑटोमेटिकली फॉन्ट चेंज हो जाएगा। यहां से आप चेंज कर सकते हो दोस्तों। आप इसे सेव भी कर सकते हो अगर आपने कुछ सेटिंग कर रखी है इसके अंदर, जैसे कि आपको कंपनी एज पर दी हो कंपनी ये फॉन्ट आपको वैलिड नहीं है, तो आपके हिसाब से कोई कंपनी में फॉन्ट अगर चलता हो राइट, रिजर्व फॉन्ट हो, तो वो आप उसे फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद उसे यहाँ पे जाके आप सेव कर दोगे, एंड देन ब्राउज करके उसे कहाँ से भी इम्पोर्ट करके पाथ डालने के बाद इम्पोर्ट कर सकते हो एंड अप्लाई। अब यहाँ से दोस्तों अगर आपको कलर चेंज करना है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड देन यहाँ से कुछ कलर ऑटोमेटिकली चेंज कर सकता हूँ प्रायरिटी सेटिंग माय ओन थीम। अब यहाँ से मैं थीम फॉन्ट फैमिली चेंज कर रहा हूँ, जो मुझे फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट चेंज कर दिया। यहाँ से मैं मेरे कंपनी का जो लोगो है उसे मैं थोड़ा सा इफेक्ट दे रहा हूँ। ये देने के बाद मैं इसे सेव करूँगा, एंड देन सेव करने के बाद मैं ये पर्टिकुलर थिंग को इम्पोर्ट करूँगा, करेक्ट। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द थीम्स, बट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है एज पर द विजुअल ग्राफिक्स के हिसाब से, करेक्ट। अब शुरू करते हैं दोस्तों पेज सेटअप। पेज सेटअप दोस्तों बड़ा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम हार्ड कॉपीज किसी को सबमिट करते हैं राइट, वो टाइम पे ये पेज सेटअप यूज होता है। एंड देन जैसे कि हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस है, जैसे बिलिंग है हमारे पास करेक्ट, वो बिलिंग होने के बाद में हमें कुछ बिल का प्रिंट आउट निकालना है, या फिर कोई क्लाइंट ने हमें कुछ फाइल भेजी है, वो क्लाइंट ने फाइल भेजने के बाद में इसके अंदर कुछ सपोज कुछ कमेंट ऐड कर रखी है। जैसे हम कर सकते हैं इंसर्ट कमेंट, सॉरी यहाँ से जैसे हम करेंगे थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद में सपोज मैं कर रहा हूँ कुछ इंसर्ट कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कुछ कमेंट ऐड कर रखी है और मुझे इस कमेंट की प्रिंट भी लेनी है राइट, और या फिर यहाँ पे कुछ नोट्स उसने ऐड कर रखे हैं जो कि मुझे विजुअल नहीं है यहाँ पे, बट मैं प्रिंट जब लूँगा उसमें मुझे ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम दोस्तों देखने वाले हैं। पेज सेटअप बड़ा एसेंशियल फंक्शन है एक्सेल के अंदर दोस्तों, सो आई वुड रिक्वेस्ट नो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अब यहाँ पे मार्जिन्स है दोस्तों। मार्जिन्स क्या होती है, जैसे कि हमें पेज सेटिंग में अभी मैं सपोज ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि पेज सेटिंग होती है एग्जैक्टली जैसे कि ये मेरा कंटेंट ये पर्टिकुलर पेज सेटिंग के अंदर ही रहेगा, उसके बाहर नहीं जाने वाला है, तो मैं वो पेज सेटिंग दूंगा और एज पर द प्रिंटर जो पेज मैं वहाँ पे ऐड करूँगा वो पूरी स्पेस वहाँ से ले लेगा। तो वो प्रीव्यू हमें एक बार चेक करना होता है जैसे कि हम प्रिंट देते हैं उससे पहले। तो उसके लिए क्या करना होगा, कंट्रोल पी प्रेस करना है दोस्तों हमें। तो दोस्तों ये हमें हर वक्त करना होगा ये ऑप्शन सीखने के लिए कंट्रोल पी, ताकि हम देखें कि हमारा एग्जैक्टली ऑप्शन कहाँ पे है। मैं अगर यहाँ पे जूम कर दूँ दोस्तों, यहाँ से एस्केप प्रेस कर देता हूँ, आपको बता दूँ ये जितने ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ ये सारे ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कैसे दिखाऊंगा मैं आपको, कंट्रोल पी प्रेस कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो मार्जिन्स है टोटल राइट, ये मार्जिन्स आप आपके हिसाब से, जैसे कि अगर आपका पेज कंटेंट नहीं बैठता हो तो आप देखो कट हो रहा है राइट, ये कुछ मेरा पेज कट हो रहा है,
अगर कट हो रहा है तो यहाँ से मुझे मार्जिन चेंज करनी होगी, यहाँ से वाइड करनी होगी, फिर भी वो कट हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे वो आइदर दैट ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी रिमूव, ठीक है, और उसके अंदर लेना होगा, ठीक है। तो मैं बता दूँ आपको कैसे करना है वो, मैं ये इसे यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर आप मैं आपको मैं दिखा दूँ कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब ये कट नहीं हो रहा है, राइट, पहले कट हो रहा था, अभी कट नहीं हो रहा है। सिंपल सी चीज़ है, तो मार्जिन हमें पेज सेटिंग के लिए यूज़ होती है दोस्तों। एस्केप प्रेस एंड देन रोटेशन, ओरिएंटेशन। सो रोटेशन होता है एग्जैक्टली पेज का, अगर मेरे पास पेज पोर्ट्रेट मोड में है, जैसे कि जो खड़ा पेज है, राइट, उसे मुझे लैंडस्केप में कराना है, तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में मुझे दिखेगा। लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ, तो ये कुछ मुझे कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद में यहाँ पे कुछ शो हो जाएगा। एंड अगेन दोस्तों, जहाँ पे वो मैंने ऑप्शन बताया आपको वहाँ से, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो ओरिएंटेशन चेंज, उसका कोई दिक्कत नहीं इसमें, करेक्ट। जस्ट मेक श्योर करना कंट्रोल पी प्रेस करो आप बिफोर यू प्रिंटेड एनीथिंग। यहाँ से साइज जो पेजेस है दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखोगे पेज की साइज बहुत सारे दिए हुए। अभी एग्जैक्टली होता क्या है, लीगल अगर आप देखोगे यहाँ पे जो लॉयर्स वगैरह रहते हैं, राइट, मोस्टली वो लीगल पेपर यूज करते हैं, एंड देन ये जो A3 पेपर होता है, ये जो A4 का डबल होता है, A4 का डबल होता है, विच इज कॉल्ड A3 पेपर, उसमें आप प्रिंट आउट ले सकते हो। A5 A4 से भी छोटा होता है, A5 जो साइज है वो वाला, ठीक है। सो अगेन दीज आर दी ऑल आर दी पेज सेटिंग एज पर योर कंपनी का जैसा रिक्वायरमेंट है, या फिर कंपनी शीट जो है पेज सेटिंग है, उस हिसाब से आपको सेट करनी होती है प्रिंट देते समय। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने कंट्रोल पी प्रेस करा है, यहाँ पे सारी चीजें आ रही है, राइट, बट मुझे खाली यही प्रिंट करना है, जो कंटेंट है पर्टिकुलर वही कंटेंट प्रिंट करना है, तो कैसे करूंगा मैं, एस्केप प्रेस कर देता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद सेट प्रिंट एरिया, जैसे कि आप देखोगे आप पे दिख रहा है, यहाँ पे विजुअल अपीयरेंस के हिसाब से सब प्रिंट होगा, बट जैसे कि मैंने सेट प्रिंट एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे आप देखोगे सिलेक्शन टूल भी ऐड हो चुका है, तो मैं अगर कंट्रोल पी प्रेस करूँ तो यहाँ पे शो होगा मुझे वो पर्टिकुलर एरिया, करेक्ट, खाली उतना ही एरिया मुझे वो शो हो रहा है, जैसे कि ये भी ऐड हो रहा है इसके अंदर, बट ठीक है, आप इस हिसाब से कट यू नो रिमूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एंड देन मुझे और चाहिए यहाँ पे कुछ, इसे क्लियर कर देता हूँ, और देन आई विल गेट दी एंटायर पेज जो प्रिंट के लिए है वो। यहाँ से दोस्तों आप पेज को डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि सपोज मैं लोगो और एक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ये कुछ मेरा एक टेक्स्ट वाला ऐड कर दिया मैंने, दिस इज माय टेस्ट फाइल, ये कुछ मैंने ऐड कर दिया। एंड देन मुझे और शेप्स चाहिए यहाँ पे, ये कुछ आ रहा है, थोड़ा सा और शेप्स ऐड कर देता हूँ ताकि आपको मैं इजी वे में समझा सकूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैं कंट्रोल पी प्रेस करके देखूँ दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता है ये पूरा शो करेगा, करेक्ट, पूरा शो कर रहा है, बट मुझे ऐसा चाहिए कि ये पेज 1 में आए, ये पेज 2 में आए, पेज 3, एंड देन दिस इज द पेज 4, ठीक है। सो वो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पेज लेआउट में जा रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे कर्सर रखने के बाद इंसर्ट पेज ब्रेक, ठीक है। आफ्टर इंसर्टिंग पेज ब्रेक दोस्तों, यहाँ पे कुछ मुझे कर्सर दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ सिलेक्शन टूल जैसा आ रहा है यहाँ पे, ये कुछ आपको दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा दोस्तों कंट्रोल पी प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये पी प्रेस करने के बाद में अगर आप देखोगे नीचे डाउन में, तो पेजेस बढ़ गए हैं, इंक्रीमेंट हो गए, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये पेजेस इंक्रीमेंट हो गए, ठीक है, टोटल 4 पेजेस में डिवाइड हो गया मेरा पर्टिकुलर शीट। अब मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ, 2, दिस इज द पेज 2, दिस इज द पेज 3, एंड दिस इज द पेज 4, करेक्ट।
सो दिस इज द थिंग, यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो हर एक पेज को विद द हेल्प ऑफ पेज ब्रेक प्रीव्यू। अब यहाँ पे रिसेट ऑल कर देता हूँ, तो रिसेट ऑल करने के बाद में अगर मैं कंट्रोल पी दे दूँ यहाँ पे, तो ये मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स मुझे दिख जाएंगे एक ही शीट के अंदर। सिंपल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट सा फंक्शन है दोस्तों ये भी, बैकग्राउंड। जैसे कि आपको अगर आप कुछ प्रिंट आउट ले रहे हो राइट, इसमें अगर आपको लिखना है कि डू नॉट पब्लिश दिस और दिस इज जस्ट अ सैम्पल कॉपी, ऐसा कुछ आपको ऐड करना है इमेज उसके बैकग्राउंड के नीचे, आप ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पे मुझे वो नहीं शो करना है, यहाँ पे मुझे ये शो करना है। अगर मैं, ये मेरा चैनल है राइट, ये मेरे चैनल के अंदर अगर देखूंगा, ये होने के बाद में मुझे डिलीट करना है पेज बैकग्राउंड, आई डोंट वांट इट, रिमूव कर दिया मैंने। एंड देन प्रिंट एरिया, दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया पेज सेटिंग, अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये ऑप्शन मुझे प्रिंट एरिया एंड देन दिस इज दी कोरिलेटेड ऑप्शन, ठीक है। तो ये कोरिलेटेड है तो मुझे पेज सेटिंग नो पेज ब्रेक मुझे वापस करना पड़ेगा। तो ये मैं पेज इंसर्ट पेज ब्रेक प्रीव्यू कर रहा हूँ एंड देन पेज ब्रेक प्रीव्यू, कंट्रोल पी प्रीप्रेस करने के बाद में ये, जैसे दोस्तों आपको पता है पेज वन के बाद ये पेज वन है मेरा एंड देन पेज टू इज माय दिस थिंग, ठीक है। ये पेज वन है, ये पेज टू है, ठीक है, एज पर द प्रिंट प्रीव्यू, जैसे कि वो अप से लेके डाउन में जा रहा है। बट मुझे चाहिए कि ये पेज टू चाहिए, ये प्रिंट ले सेकंड कॉपी एंड देन दिस वुड बी दी थर्ड वन एंड दिस वुड बी दी फोर्थ वन। ये सिक्वेंस चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये चेंज करने के लिए मुझे करना होगा दोस्तों प्रिंट एरिया। यहाँ पे क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा फंक्शन है दोस्तों, ये एक बार देख लेना। जैसे कि यहाँ पे एरो दे दिया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ, बट ओवर देन डाउन। अब ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा, ये थर्ड रहेगा एंड देन दिस इज द फोर्थ वन। ओके पे क्लिक कर रहा हूं मैं, करने के बाद अगर मैं कंट्रोल पी दे दूं यहाँ पे दोस्तों, जूम आउट कर देता हूँ, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दिस इज द सेकंड पेज, दिस इज द थर्ड पेज एंड दिस इज द फोर्थ। कमेंट्स जो सेक्शन था राइट, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको अगर कमेंट्स का भी प्रिंट आउट लेना है उसके अंदर जो एक्सेल शीट के अंदर है, ये कमेंट्स नन है एट द एंड ऑफ द शीट। एज इन यहाँ पे अगर आप ये ऑप्शन ऑन रखोगे तो जितने भी कमेंट्स एडेड है आपके शीट के अंदर, ये आप यहाँ से कर सकते हो करेक्ट। अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू करूँ यहाँ पे, प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ इसे, ये पेज थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ एंड देन दिस इज दी कमेंट, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो ये मेरे को लास्ट एंड शीट में मिल जाएगा। तो ये ऑन करने के लिए मैंने क्या करा, पेज सेटिंग यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे एंड दी शीट, ठीक है, एंड शीट में मुझे कमेंट्स जितने भी रहेंगे वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पे ऐड कर दो। एंड देन सेल एरर्स, अगर आपके सेल्स के अंदर कुछ एरर्स वगैरह है राइट, एने फाउंड नहीं हो रहा है, सब चीज़ें है कौन से सेल्स के अंदर है, तो ये कुछ एरर रहेगा तो ये भी आपको शो करेगा, ठीक है। सो ये मैं डिटेल लेवल में नहीं जाऊंगा दोस्तों, सो मैं आपको खाली जस्ट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आपको क्या ऑप्शंस नो ऑन करने हैं, क्या ऑप्शंस ऑफ करने हैं एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग। एंड देन यहाँ पे हेडर एंड फुटर जो बेसिक नेसेसिटी आई कैन से, जैसे कि हमें पता नहीं होता है राइट पेज सेटिंग कहाँ से करना है, या फिर पेज सेटिंग एज एन पेज नंबर कहाँ से देना है, या फिर पेज सीरीज कितनी देनी है वो पर्टिकुलर शीट्स को या फिर पेज को, तो ये यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे हो अगर, तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर पे क्लिक करो, जहाँ पे आपका फुटर नंबर या फिर पेज जो आप ऐड करना है आपको, यहाँ से आप कर सकते हो। प्रिंट 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 प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको दिखेगा इस तरह से सॉर्टेड। तो ये कुछ इस तरह से है, इसे एस्केप प्रेस कर देता हूँ, बाहर निकलता हूँ। एंड देन मार्जिन जो कि मैंने आपको बताया था, वहाँ से भी मार्जिन आप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। एंड देन प्रिंट प्रीव्यू में अगर आप जाओगे तो यहाँ से भी एक मार्जिन का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगेन दिस इज दी पेज सेटिंग, जैसे कि ये जो ऑप्शन है दोस्तों हमने वहाँ पे ऑलरेडी कवर कर रखे है। लैंडस्केप पोर्ट्रेट आप कर सकते हो पेज को, अगर ये पोर्ट्रेट है तो इसे लैंडस्केप भी कर सकते हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो यही है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा फंक्शन है दोस्तों, सो एक बार प्रैक्टिस करिए इसका
और अगर आपको हार्ड कॉपी निकालनी है उस चीज़ की, तो दोस्तों मेक श्योर करना कि आपके पास प्रिंटर अटैच हो आपके डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप जो यूज़ कर रहे हो उसके लिए। ये सब चीज़ें दोस्तों, प्रिंट हेडलाइन, जैसे कि आपको हेडलाइन ऑन करके ही प्रिंट प्रिंटआउट देनी है तो ही वो शो करेगी। जैसे कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर ग्रिड लाइंस जो है बैकग्राउंड में, वो ऑटोमेटिकली वो ग्रिड लाइंस आ जाएंगे उसके अंदर। और वही सब चीज़ें हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में देखने वाले हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो शुरू के लिए हम यहीं पे तलक रहते हैं। ठीक है, एंड उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड गिव मी अ थम्स अप, एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।